नमस्कार, मैं प्रीति पूजा अपने चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी इस डिजिटल किचन विंग स्केल का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, जिसे मैंने amazon.in से मंगाया है। तो इसके पहले कि मैं इसे ओपन करके इसका रिव्यू स्टार्ट करूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह की और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो इसे लाइक यानी कि थम्सअप के बटन पर क्लिक कर दें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर कर दें, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। आधुनिक युग टेक्नोलॉजी का युग है, आज कोई भी रेसिपी किसी खास क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं रह गई है। अपने देश की हो या फिर किसी अन्य देश की, आज इंटरनेट पर कुकिंग के वीडियोस, ब्लॉग्स आसानी से मिल जाते हैं। टीवी पर भी कई कुकिंग के चैनल्स आते ही रहते हैं, जिसमें आए दिन नई नई रेसिपीज बताते रहते हैं। इसी तरह से कई मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में भी सालों से रेसिपीज आते ही रहते हैं, जिन्हें हम देखकर ट्राई करते ही रहते हैं। तो हमारी रेसिपी एकदम परफेक्ट बने, इसलिए हमारा मेजरमेंट सही होना चाहिए। तो उसके लिए आज हर किचन में एक डिजिटल किचन विंग स्केल तो होना ही चाहिए। इस विंग स्केल का मॉडल नंबर SF400 है। ये मॉडल 10 kg × 1 g है, यानी कि ये मिनिमम 1 g से मैक्सिमम 10 kg तक के वजन वाली चीजों को आराम से मेजर कर सकता है। इसमें ओवरलोड और लो बैटरी का इंडिकेशन भी मिल जाता है। तो चलिए अब और इंतज़ार ना करते हुए इसे ओपन करके देख लेते हैं। और ये इसका बिल है। इस बॉक्स में मशीन के अलावा AA बैटरीज और ये यूज़र मैनुअल भी मिलता है। तो आप देख सकते हैं मशीन की क्वालिटी बहुत ही अच्छी दिख रही है। ये प्लास्टिक की बनी हुई है और बहुत ही हल्की है। एक बार तो देखकर ये बिल्कुल टॉय जैसा ही लग रहा है। और वजन में हल्का होने की वजह से इसे किचन में यूज़ करना भी बड़ा ही आसान और सुविधाजनक होगा। और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो इसे इस्तेमाल के बाद कहीं भी थोड़ी सी जगह में ये सेट हो जाएगा। तो इसका जो प्राइस मैंने पे किया है, उस हिसाब से ये मुझे एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ मिली है। तो बैटरी सेट करके मशीन को स्टार्ट कर लेते हैं। और अब ये मशीन काम करने के लिए तैयार है। इसमें ये 3 बटन हैं, ऑन ऑफ, मोड एंड टेयर। ऑन ऑफ से आप मशीन को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। मोड बटन से आप सिर्फ ग्राम और ओजी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि मेजरिंग की यूनिट्स हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि ये मोड बटन कैसे काम करता है। ये 140 g इसका वेट है, इस पर लिखा हुआ है। इसको मेज़र करके देखते हैं कि कितना आता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी आप किसी भी सामग्री का वेट कर रहे हों, मशीन ऑलवेज फ्लैट सरफेस पे होना चाहिए, वरना ये सही माप नहीं बताएगी। और 139 g इसका वजन आ रहा है। 1-2 g ऊपर नीचे हो तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो अब इस मोड बटन को दबाकर देखते हैं। ये 4.9 ओजी आ रहा है। ओजी का मतलब ऑन्स होता है और ये 4.9 ऑन्स का है। तो अगर आपको किसी सामग्री का वेट ऑन्स में चाहिए तो यहाँ पे इस पर ये भी इजीली पता चल जाता है। अब मैं आपको टेयर बटन कैसे वर्क करता है या फिर ये हमें क्यों चाहिए वो बता देती हूँ। किचन में जब हम कुछ कुक करते हैं तो कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम डायरेक्ट विंग स्केल पर नहीं रख सकते, जैसे कि चीनी, सूजी, आटा, बेसन या फिर इसी तरह की और दूसरी चीज़ें। तब उन्हें हम किसी बाउल या कप में डालकर ही नाप सकते हैं। तब ये टेयर बटन हमारे बहुत काम आती है। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि ये टेयर बटन कैसे काम करता है। मशीन को ऑन कर लेते हैं। अब इस पर ये बाउल रख देंगे।
बाउल का वेट आप देख सकते हो 116 ग्राम आया है। अब हमें इसमें 100 ग्राम चीनी नापनी है, तो हमें बाउल का वजन साथ में नहीं चाहिए। तो अब मैं ये टेयर बटन दबा देती हूँ। आप देख सकते हो वापस वजन जीरो पर आ गया है, यानी कि मशीन इस बाउल का वेट नहीं ले रही है। और अब हमें जितनी भी चीनी चाहिए हम इस बाउल में डाल देंगे। तो ये लगभग 50 ग्राम चीनी है, मुझे 100 ग्राम चाहिए, तो इसमें हम वापस चीनी डाल देंगे। और अब ये 100 ग्राम हो गया है, तो अब आप इस स्टेयर बटन का यूज़ भी समझ चुके होंगे। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि इसकी बॉडी प्लास्टिक की बनी हुई है, इसका ये डायामीटर नाप लेते हैं कितना है। ये डायामीटर 14.5 सेंटीमीटर है और इसका वजन 0.37 केजीज है, यानी कि ये लगभग 350 ग्राम जैसा है। तो अब मुझे लगता है कि इस डिजिटल किचन विंग स्केल की सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो अगर आप इसे लेना चाहते हो तो अब और ज़्यादा ना सोचते हुए इसे आप ऑर्डर कर लें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर प्राइस मेंशन नहीं किया है क्योंकि प्राइस चेंज होते रहते हैं, प्राइस आप ऑनलाइन भी पता कर सकते हैं। इस वीडियो को लेकर आपका कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और यूज़फुल लगे तो इसे लाइक यानी कि थम्स अप के बटन पर क्लिक कर दें और इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लास्ट तक देखने और मेरे चैनल कुकिंग विद प्रीति पूजा को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ मेरे चैनल कुकिंग विद प्रीति पूजा पर।